ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ट्राई किया? आप में से किसी ने इसको ट्राई? मैम वॉइस कम आ रही है, अब देखिए आवाज ठीक है, देख लीजिए वॉइस सही आ रही होगी। आवाज सही है? ओके ओके, वॉइस का बताइए, वॉइस आवाज सही है कि नहीं है, आवाज का बता दीजिए एक बार, फिर मैं स्टार्ट करूं। सुनीता कह रही वॉइस क्लियर है, एवरीवन इज सेइंग वॉइस इज क्लियर। आपके नेटवर्क इश्यू होगा, व्हाट्स योर नेम, है ना डिंपल, आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए नहीं आ रही होगी। सब लोग कह रहे हैं क्लियर है, सो आई थिंक द वॉइस इज क्लियर। ठीक है चलिए लेट्स बिगिन, अब फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज प्रैक्टिस 19, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं सिनोनिम्स। कम से कम 50 सिनोनिम्स आप कर सकते हो। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, कर दी है, कर दी है, डोंट वरी, आई हैव डन इट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द बोल्ड लेटर्स। बोल्ड का मतलब यहाँ ये बोल्ड है, मेनी विलेजेस वेयर स्वेप्ट अवे बाय द डिलज। डिलज, डिलज का मतलब क्या होता है? वैसे भी एक लाइन अगर हम थोड़ा देखें तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम आइडिया ले लें तो हम इस सेंटेंस से आइडिया भी ले सकते हैं। कैसे आइडिया ले सकते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वो कह रहा है कि जो पूरा का पूरा गांव था वो स्वेप्ट हो गया, अवे हो गया, स्वेप्ट किस में, पानी की बौछार का मतलब अगर हम बोले हिंदी में तो हम उसको कहते हैं बाढ़, जो आजकल बरसातों में हो ही रही है, बाढ़ कह लो, या हम कह सकते हैं पानी का जो स्रोत होता है धारा, ठीक है, तो उसमें बह गई, गांव से बह गया, जैसे अभी केरला में हुआ, ठीक, तो उसका मतलब लगभग कौन है? फेमाइन का मतलब लेडी हो गया, टेररिस्ट भी नहीं होगा, वेपन भी नहीं होगा, टॉरेंट, तो टॉरेंट का मतलब होता है डिलज। क्या होता है? डिलज। क्लियर है, समझ में आ गया? इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद करें। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? थोड़ा आप लोग ट्राई भी करते रहे साथ साथ, ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ड्राउजी का होता, कहते हैं ना टुडे आई एम फीलिंग सो ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है, नहीं नहीं ड्राउजी का मतलब होता है नींद में, कि भाई आज तो मुझे बहुत आलस आ रहा है, हाँ मुझे नींद में क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा नींद, नींद से भरा हुआ, जिसे हम कहते हैं ना नींद से भरा हुआ, तो आलस तो है लेकिन किससे आलस? नींद की वजह से भरा हुआ, तो नींद से भरा हुआ है, तो आपका उत्तर है स्लीपी, आंसर ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक मिनट में थोड़ा इसको जूम कर रही हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, आप बताइए। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेफ्ट पे। डेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक का आंसर क्या है? नेटवर्क इश्यू था। फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुझे दोबारा से बैक जाना पड़ेगा, कि डिलज का मतलब क्या है? तो डिलज का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है फ्लड, तो यहाँ आएगा टॉरेंट, टॉरेंट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ जिन्होंने कर लिया है वो थोड़ा बता भी दे, ठीक है, साथ ही साथ
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब क्या होता है? डेफ्ट का मतलब होता है निपुण, जिसे हम कहते हैं ना परफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं निपुण है। तो निपुण यहाँ क्या होगा? परफेक्ट, विगोरस तो तेज हो गया, डिसिप्लिन धोखा हो गया, स्विफ्ट स्किलफुल। स्किलफुल को हम चतुर भी कहेंगे और साथ ही साथ कहेंगे स्किलफुल का मतलब होता है जिसको दक्षता है, निपुणता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है डायरेक्शन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आवेश में। कहते हैं ना आज मैं बहुत ज्यादा आवेश में हूँ, आवेश का मतलब गुस्सा, लेकिन सरप्राइजिंग, तो हम इसको कहेंगे आवेश। आवेश में इंसान गुस्से में होता है, तो एंगर विद सरप्राइज क्या जाएगा आपका? एंगर विद सरप्राइज। फिफ्थ चलेंगे, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। अपोजिट है ये, अपोजिट नहीं है, ठीक है, विपरीत नहीं, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? सभी लोग सही बता रहे हैं, योग्य, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं इस योग्य हूं, तो हम अपोजिट को कहते हैं योग्य। केबल है ना, जो मेरे मतलब मेरे लिए सही है, फेवरेबल है, सूटेबल, हाँ ये वर्ड आ जाएगा सूटेबल, क्लियर है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमेंडॉन। एमेंडॉन का मतलब क्या होता है? एमेंडॉन का मतलब होता है यस त्यागना। कहते हैं ना मैंने छोड़ दी आदत है, छोड़ना, त्यागना, तो इसको हम बोलते हैं त्यागना, ठीक है, छोड़ देना। तो छोड़ देने का मतलब यहाँ क्या है? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी होता है छोड़ देना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन, O-B-S-C-E-N-E, obscene का मतलब क्या होता है? obscene का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं बड़ा अश्लील बना हुआ, कहते हैं ना बड़ा ही weird है, बेकार है, अश्लील है, तो कोई चीज जो क्या हो अश्लील, ठीक है, अश्लील होना। तो यहाँ पर अश्लील वर्ड जो है दैट इज योर इंटीग्रेट, दैट इज योर इंटीग्रेट, ठीक है। नहीं नहीं एक मिनट, इंटिमिडेट का मतलब तो होता है कि वो करना, इनडिसेंट होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर, यहाँ अश्लील हमने किससे बोला? कि जो चीज दिखने में अच्छी ना हो, भद्दी हो, बेकार की हो, नहीं नहीं सबके डी कहाँ से हो गए? डी नहीं है भाई, इनडिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या हो गया? सभ्य। डिसेंट वर्ड ले लो, डिसेंट का मतलब क्या होता है? सभ्य, असभ्य, वल्गर, इसका हम एक वर्ड और देते हैं वल्गर, जो अश्लील कहते हैं ना अश्लील वस्त्र, वल्गर, तो वल्गर को कहते हैं अश्लील। तो यहाँ पर इनडिसेंट, इनडिसेंट आएगा इसका सेम वे। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर है विनिंग, D-E-N-I-G-N, विनिंग का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? आप लोगों ने भी बिल्कुल ट्राई नहीं किया, मैंने कहा भी था थोड़ा ट्राई करना। विनिंग का मतलब होता है सौम्य, डिसेंट, ये भी उसका वही मतलब, हाँ सौम्य, बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है सौम्य, इसको हम डिसेंट भी कह सकते हैं, जो पीछे इंडिसेंट दिया था उसका ऑपोजिट है। तो सौम्य डिसेंट का मतलब एक तरफ से हम यहाँ पर इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि बहुत ही दिल से क्या होना, बहुत ही अच्छा होना, हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा क्या होना, जेंटल, उदार, जेंटल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, हम इसको कह सकते हैं जेंटल। तो जेंटल, काइंडली, K-I-N-D-L-Y, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है डूबियस। डूबियस तो सभी बता देंगे क्या होता है, dubious का क्या होता है? dubious, I mean dubious situation, संदेह है, मुझे क्या है? संदेह है,
संदेह, तो संदेह का मतलब क्या होता है? डाउट। क्या आएगा इसका उत्तर? डाउट। तो डूबियस का क्या आ जाएगा? डाउटफुल आ जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा लिखूंगी तो आपको दिक्कत होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओमनियस। ओमियस, ओमियस का मतलब क्या होता है? ओमियस, OMINOUS, कहते हैं ना, एक होता है ना कि ये तो बहुत ही अशुभ है, अशुभ को कहते हैं ओमियस, अशुभ। अशुभ किस महीने? अशुभ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ये तो अशुभ है भाई। ये तो एक शब्द और आता है मनहूस, जिसे हम बोल देते हैं ना, मनहूस भी बोल सकते हो, डरावना भी कह सकते हो भाई, ये तो अशुभ है, ये तो बड़ा बेकार है, डरावना, खतरनाक है ना, उसको हम डेंजरस भी कह सकते हैं, और वर्ड है यहाँ पर डेंजरस भी आ सकता है, डेंजरस। तो डेंजरस का मतलब क्या होता है? डराने वाला, ओमनियस, थ्रेटनिंग। भाई कोई भी चीज जो अशुभ होगी वो हमें डराएगी, डराएगी कि नहीं, कह रहे भाई ये तो बेकार की चीज है, तो इसलिए उसको कहते हैं थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग इसका वर्ड आएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है रैथ। रैथ का मतलब क्या होता है? WRATH, रैथ। कई बार आपको क्रोध, बिल्कुल सही, रैथ का मतलब होता है एंगर, जिसे हम बोलते हैं गुस्सा, क्रोध, उसको हम कहते हैं एंगर। एंगर इज द करेक्ट आंसर, बी सही उत्तर है इसका, ठीक है, सही कर लीजिए इसको। फिर है आपका एम्पल, AMPLE, हम कहते हैं ना एम्पल ऑफ वर्क इज टू बी डन। एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, बहुत, हाँ, इनफ, पर्याप्त, बहुत, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इनफ, ठीक है, और इनफ के साथ साथ जो हमें लग रहा है लिमिटेड तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा में तो खर्चीला हो गया, स्कैंटी तो कम हो गया, अबेंडेंट, बहुत ज्यादा, पर्याप्त, हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ये वर्ड भी, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मैंने कई बार बताया भी है, ये कई बार कहीं ना कहीं आया ही है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब क्या होता है? संदेह, है ना। एम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है? डाउटफुल, संदेह, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? डाउटफुल। इसमें जो वर्ड आपको मतलब निकालने पे एक जैसे आ गए, डाउटफुल इधर भी आया, डाउटफुल पहले भी आया, तो उसको सिनोनिम बना लेना उसका, ठीक है, तो अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आ गया सबको? एनी डाउट टिल हियर? इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वेगेंट। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत खर्चा करने वाला, हाँ, खर्चीला हम कह सकते हैं, खर्चीला, पैसे वेस्ट करने वाला, उसको हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, उसको हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। साथ साथ याद करें, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। फिर उसके बाद आता है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट बहुत बार पूछा जाता है, मिटिगेट कर दो भाई, इसको क्या कर दो? मिटिगेट, कम करना, लेसन, हाँ, कम करना, काम करना, इसको हम यहाँ पर ग्रूसम नहीं होगा, भयानक, हार्मफुल भी, डेंजरस, इंक्रीज बढ़ाना, लेसन, कम करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना। डेलीजेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कहते हैं ना ही इज अ वेरी डेलीजेंट स्टूडेंट, तो डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? सब बता सकते हैं? परिश्रमी, मेहनती, मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग जो है, हाँ, परिश्रमी, उसको हम बोलते हैं डेलीजेंट। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है, अच्छा एक मिनट, ठीक, अब आपको यहाँ पर पेयर दिया गया है, ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर सिनोनिम का इनकरेक्ट है।
पहले तो समझना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके मतलब क्या क्या है। जब आपको मतलब पता होंगे तभी आप कर पाओगे। देखो एबेंडोन का मतलब होता है, अभी आया था, त्यागना। और फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है यहाँ पर, छोड़ना, त्यागना, छोड़ना। तो ये वाला तो सही है, ठीक है। फिर दूसरा दिया है उन्होंने ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। क्या कहते हैं इसको हम? शांत कहते हैं। शांत कहते हैं, छोड़ना। हाँ बिल्कुल सही, छोड़ना। इसको कहते हैं काम डाउन, ट्रैंक्विल, शांत कर दो, है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब भी होता है पीस, शांत करना, कम करना, शांत करना, शांत करना, या शांत कह दो, ठीक। तो ये वाला भी हमको सही लग रहा है, हमको तो वो इनकरेक्ट पेयर बताना है। तीसरे पे आ जाओ, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक जायज कहते हैं ना हम इसको, जायज, जायज कहते हैं ना, जायज है भाई, सही है, ये सही भी कह सकते हैं आप, करेक्ट भी कह सकते हैं। अग्रीएबल, अग्रीएबल का मतलब क्या होता है? एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? एग्रीएबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करना, मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो ये तो सही बैठ नहीं रहा, जायज और एग्रीएबल, अभी मुझे इस पे डाउट है, ठीक। अभी इधर भी देख लेते हैं, इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है? इमर्स, इमर्स का मतलब जैसे कोई चीज है, हमने इस पे इमर्स करके डुबो दिया, अंदर डाल देना, डूबना, डुबोना। कोई भी चीज हम पानी में इमर्स करते हैं, इमर्स का मतलब होता है डालना, अंदर डालना, डुबोना जिसे हम कहते हैं। प्लंज, प्लंज का मतलब भी यही होता है, तैरना, डूबना, ठीक है, वही होता है उसका मतलब भी, पानी में। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमको इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो हमारा इनकरेक्ट जो पेयर है दैट इज योर दिस वन, सी इज योर इनकरेक्ट पेयर, इज दैट क्लियर? शैल आई मूव ऑन? इसके बाद बताना आपने एसिडस। एसिडस का क्या मतलब है? एसिडस का मतलब क्या है आपके हिसाब से? यहां पर क्या ऑप्शन आना चाहिए? अभी हमने एक वर्ड ऊपर भी लिखा था, एसिडस, हार्ड करके एक वर्ड आया था, डेलिजेंट का आया था कि नहीं? तो एसिडस का मतलब भी होता है, इस एसिडस का मतलब भी होता है डेलिजेंट, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं मेहनती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए आपके अनुसार? मतलब एसिडस का मतलब है हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन बड़े ध्यान से, तो यहां आएगा वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, बहुत कड़ी मेहनत करना और बड़े ध्यान पूर्वक, उसको कहते हैं हम एसिडस। फिर है आपका यूबिक्विटस। यूबिक्विटस तो मुझे लगता है सबको बता देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा वर्ड है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसी उद्देश्य से मैं बोल रही हूँ कि यूबिक्विटस तो आप सभी लोग बता सकते हैं। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? सर्वत्र, हम कहते हैं ना यूनिवर्सल जिसे हम बोलते हैं, यूनिवर्सल, सर्वत्र, सब जगह पाने वाला, सब जगह होने वाला सेम टाइम पे, तो बस सब कुछ नहीं है, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट सेम टाइम। एक और बताना, एक तो नहीं है, और पावरफुल नहीं, पावरफुल तो भगवान होगा, पावरफुल नहीं आएगा इसमें। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सब जगह विराजमान होना,
सर्वव्यापक जिसे हम कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो सर्वव्यापक, ठीक है, तो सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पे सब जगह विराजमान होना, इसको हम वैसे एक वर्ड और बोल देते हैं कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब भी यही होता है सब जगह एक साथ मिलना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते अनएनवीएबल, अनएनवीएबल इसका मतलब कौन बताएगा? थोड़ा आप लोग भी ट्राई करते रहे, इसीलिए मैंने ये 50 क्वेश्चन दिए थे जिससे कि आप लोग भी इसको हैंड टू हैंड समझते हुए करते हैं। हाँ तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि दैट विच इज नॉट एसेसिबल, अच्छा तो एसेसिबल कह सकते हैं आप, थोड़ा सा सोचिए, अवांछनीय कहते हैं हम। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अनवेलेबल का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, तो हिंदी इसकी अलग है अवांछनीय, जिसे हम पसंद नहीं कर रहे, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आप डिफिकल्ट भी कह सकते हो, डिफिकल्ट का मतलब क्या है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, देखिए डिफिकल्ट है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सी कौन बोल रहा है, एसेसिबल, एसेसिबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम सही कर सके, पहुंच सके, रीच कर सके, वो एसेसिबल है। लेकिन ये इनएनवीएबल मतलब कोई चीज जो हमें पसंद नहीं आ रही, तो डिफिकल्ट या कह दो प्लेजेंट। डिफिकल्ट इसलिए कह दिया क्योंकि देखो कोई चीज है, सपोज कोई कोई भी चीज है, आपको सपोज आप मार्केट गए, आपको आपने कुछ मार्केट में देखा, ठीक है, और आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप उसको चूज नहीं कर पा रहे, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट है कि उसको आप एडॉप्ट करो, तो इस सेंस में डिफिकल्ट वर्ड यहाँ दिया, ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट विल कम डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वर्ड क्लोजली रिजेंबल टू दिस अग्रीमेंट, ये तो सब बता दो, एग्रीमेंट तो आप जानते हैं सहमति, क्यों, और जो आपको पसंद ना हो, जो आपके सहमति से अलग हो, डिसएग्रीमेंट, तो उसे आप क्या कहोगे, मतभेद, विवाद जिसे हम बोलते हैं, व्हाट विल बी योर आंसर, थोड़ा आंसर बताइए, एनी वन ऑफ यू, थोड़ा ट्राई भी करते रहे, मैं तो बता दूंगी 2 मिनट में। यस हाँ सी कौन बता रहा है, बिल्कुल सही, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जो चीज हमें क्या नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, DISSENT, इसका मतलब होता है कि भाई जो चीज मतभेद हो गया, विरोध हो गया, मतभेद विरोध है ना, तो उसको हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट। ये डिसेंट क्या है, DEC, ये सभी डिसेंट को बता रहे हैं, तो ये वाला डिसेंट जो है इसको तो हम कहते हैं उचित, और इसको हम क्या कह देते हैं, उचित कह देते हैं, इसको तो हमने कहा उचित, ठीक है, ये वाला डिसेंट तो उचित हो गया। अब एक इधर भी है डिसेंट, डिसेंट इसका मतलब होता है ढलान, इस डिसेंट का मतलब क्या होता है, ढलान, इस डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, ठीक है, इसका क्या हो गया, मतभेद, और इस डिसेंड का मतलब क्या होता है, डिसेंड, हम डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, ऊपर से नीचे, डिसेंड नीचे की ओर, क्लियर है कि नहीं है, बताते भी रहे, ऑल ऑफ यू प्लीज देखते हैं कौन सा कलर आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, ये भी बता दूंगा, ब्लैक बोर्ड पर कौन सा कलर ज्यादा दिखने में विजिबिलिटी लग रही है, मुझे लगता है ये ग्रीन सही लग रहा है, जल्दी से उत्तर दे प्लीज, इज दिस ग्रीन गुड और इज दिस रेड गुड, जल्दी बताओ,
उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। रेड रेड रेड, अच्छा ठीक है, इसका मतलब रेड ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब चलते हैं, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्ड, रिजेंबल्स डिस्टिंग्विश्ड। कल भी हमने कहा था डिस्टिंग्विश्ड, अब बहुत हर दिन पढ़ते हैं, विशिष्ट स्पेशल, जो कोई अलग है, स्पेशलिटी है ना। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो वह भिन्न है, जो हम एक तरीके से प्रतिष्ठा प्राप्त भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल सही है, एमिनेंट, इसको हम कहते हैं प्रतिष्ठा। स्पेशलिटी ठीक है, विभिन्नता, बहुत सारे मतलब नहीं होते हैं, अनकॉमन है, अलग है। जैसे आप कहते हैं ना, भाई हमारे नंबर आए डिस्टिंग्विशन में, डिस्टिंग्विशन, डिस्टिंक्शन मिली, डिस्टिंक्शन, अलग है, बिल्कुल हटकर। तो इसी को कहते हैं एलिमेंट, ई एम आई एन आई एन टी। ठीक है, चलिए लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल तो आपको आना चाहिए, बहुत आसान शब्द है। इनक्रेडिबल हमारा एक चैनल में भी आता है, इनक्रेडिबल। हाँ बिल्कुल, जो विश्वास योग्य ना हो, कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, तो इस अविश्वसनीय भारत, तो उसको आप क्या बोलोगे, अनबिलीवेबल। बिल्कुल सही, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। स्किलफुल, स्किलफुल अभी योग्य, जैसे हमने बोला स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब क्या हो गया, निपुण, दक्ष, कुशल। हाँ बिल्कुल सही, दक्ष, कुशल, निपुण, ये हिंदी में। तो इन सब का मतलब क्या है, एड्रॉइट। बिल्कुल सही, एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष। और एडवेंट का मतलब क्या होता है, ये अवतार हो गया, इसको हम कह सकते हैं अवतार, तो अवतार आ गया। एडॉप्ट का मतलब तो आप जानते हैं, किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गोद ले लेना। और एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां जो हमारे प्रतिकूल। नेक्स्ट सवाल, पिक द राइट ऑप्शन एंड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल ये तो बहुत आसान है, प्राइसलेस, अमूल्य जिसे हम कहते हैं ना, ये तो इनवैल्यूएबल, इसकी तो कोई बहुमूल्य है, वो तो प्राइसलेस। हाँ बिल्कुल सही, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है प्राइसलेस, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते, अमूल्य है। नेक्स्ट है पिक आउट द राइट ऑप्शन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्पोजिशन, जल्दी से बताए, हाँ सभी लोग बता रहे हैं। डिस्पोजिशन की एफिडेविट तो नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देख के बताए। डिस्पोजिशन, पोजिशन से ही आपको पता चल जाना चाहिए, डिस्पोजिशन। हाँ सही है बिल्कुल, डिस्पोजिशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम एक विशेष स्थान जिसे हम कहते हैं, ये कहते हैं ना डिस्पोजिशन। अब आप इसको ये मतलब तो पोजिशन से अलग, ये वो नहीं है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक प्रत्येक, जिसे हम हिंदी में एक शब्द बोल देते हैं, उस शब्द का मैं आपको जरा मतलब बता दूं एक मिनट, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बिल्कुल स्थान, जिसे हम कहते हैं मन और चरित्र के विश, एक तो इसमें होता है मन और चरित्र के गुण, वो आपने नहीं देखे क्योंकि वो इससे मैच नहीं करता। यहाँ पर जो स्थान, यहाँ पर हम इसको कहेंगे एक प्रॉपर प्लेस, स्थान, और पोजिशन इज योर राइट आंसर। तो ए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए का ऑप्शन आ जाएगा, दैट मीन्स स्थिति, कंडीशन भी हम कह सकते हैं, सिचुएशन, कंडीशन, सिचुएशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिति, डिस्पोजिशन, और पोजिशन भी हम वही बोलते हैं, स्थिति, स्थान, ठीक है, जगह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट
पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए जरा। उचित, हम क्या बोलते हैं भाई, पर्टिनेंट का मतलब होता है कि भाई बहुत ज्यादा उचित हो। उचित का मतलब जानते हैं, अभी हमने एक वर्ड किया था उचित, एक हमारा पीछे भी आया था एप्पल से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ऑप्शन गलत तो नहीं डालूंगी, नहीं ठीक डालेंगे, ठीक है। उचित कहते हैं पर्टिनेंट को, क्या कहते हैं उचित। पर उचित हमने पीछे भी पढ़ा, उसको हमने क्या बोला था एपोजिट, तो ये सिनोनिम हो गया है ना, पर्टिनेंट और उचित। तो उचित को क्या कहते हैं, रेलेवेंस। गिव द रेलेवेंट आंसर, कहते हैं ना प्लीज गिव द रेलेवेंट आंसर, रेलेवेंट का मतलब है उचित आंसर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, हाँ बी इज द राइट आंसर, ठीक है बी आएगा। प्रोपेंसिटी किसे कहते हैं, पहले तो प्रोपेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए। प्रोपेंसिटी भी हमारी कहीं ना कहीं वो ही आ गई, झुकाव, रुचि, स्थिति, है ना। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, स्थिति। स्थिति भी होता है, तो स्थिति से यहां मिलता है डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन का आप देखिए, डिस्पोजिशन आया, डिस्पोजिशन का पोजिशन आया, यहां इसका सिनोनिम प्रोपेंसिटी भी आया। तो ये तीनों वर्ड लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इमिनेंट, EMMINENT। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये तो आप बता देंगे सबके सब, इमिनेंट साइंटिस्ट है, इमिनेंट इमिनेंट सब बता देंगे, बच्चों वाला आंसर है ये। अब मुझे पता है इमिनेंट आप लोग क्या बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं ना इमिनेंट, हाँ कौन, ये किसने बताया, सी आंसर किसने बताया, बहुत सही बताया जिसने बताया। देखिए यहाँ इमिनेंट का मतलब होता है जैसा कहते हैं ना आसन, बिल्कुल सही आसन। आसन का मतलब क्या है, जो हमारे हाथ के ही डिस्टेंस पे हो, मतलब बहुत नजदीक, जो हम हाथ से भी ले सके आसानी से, इजी टू टेक। तो इजी जैसे कहते हैं ना, तो बहुत आसानी से हम किसी चीज को ले सके हमारे हाथ के नजदीक, जैसे ये हमारे बगल में, ये बगल में, तो नियर है, बिल्कुल सही, नियर एट है, उसको हम इमिनेंट कहते हैं। फिर आता है आपका एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, बोलिए जरा, थोड़ा आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो तुरंत, मैं तो क्या है, मैं तो 50 फटाफट बता दूं, लेकिन थोड़ा डिस्कस करने से आपको याद रहेंगे, इसलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो एमिनेंट का बताइए, सॉरी इसका बताइए, एपेथेटिक का। कठोर, बिल्कुल सही, कौन बता रहा है, ओमनियस नहीं आएगा, नहीं। एपेथेटिक का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको, एक वर्ड आता है कठोर कह सकते हैं, कठोर। कठोर यहाँ निर्दय होता है, निर्दयता को हम यहाँ पर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल तो नहीं आएगा, हॉस्टिलिटी इज अ समथिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो कठोर जो कि जिसको हम कहते हैं कि निर्दय है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल तो दुश्मनी हो गई ना, इसको तो हमने दुश्मनी कह दिया। और रिपल्सिव को क्या कहोगे आप, घिनौना, रिपल्सिव, रिपल, रिपल का मतलब अट्रैक्ट ना हो ना, दूसरी तरफ जाना, तो जो चीज पसंद ना हो, घिनौना जैसे भी होगी, घिनौना भी कह सकते। और ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या है, जिस जो बहुत ही छोटा हो, ट्राइबल जिसे हम कह सकते, ठीक। कैलस, कैलस यहां पर जो शब्द है, कैलस बताता है कि भाई कोई भी चीज जो क्या है, निर्दयी है, कठोर, हमने निर्दयी को बोला हार्ड हार्टेड, कठोर, कैलस। कैलस अगर आपको थोड़ा सा, आपको पढ़ा हुआ आपने, तो कैलस सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं कोई भी चीज है तो सेल से बनी है, कैलस, कैलस जैसा हमारे दांत के जो हमारे दांत है उसमें कैलस है, उससे डेंटाइन बना, तो कैलस इज हार्ड सर्फेस,
हार्ड मतलब कठोर है, निर्दयी है, तो वो चाहे इंसानियत से ले लो किसी से, तो दैट विल बी योर आंसर। एड्रॉइट का भी आ गया था, एड्रॉइट ये तो जल्दी से बता दो, एड्रॉइट का बताइए अभी के अभी किया था मुझे, ये तो अभी किया ना हमने। हाँ बिल्कुल सही, स्किलफुल। साथ ही साथ याद रखिए, देखो जो जो चीज हम कर रहे हैं तो हो सकता है वो भाई क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, एड्रॉइट है स्किलफुल, बताने की जरूरत है। विजडम, विजडम को आप क्या बोलोगे, विवेक, अकल, बिल्कुल सही, इंटेलिजेंस, सगेसिटी, बुद्धिमान। फिर है फेलिसिटस, फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब क्या होता है, एफ ई एल आई, अब बताइए जरा फेलिसिटस का मतलब क्या होता है, फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब है आनंदमय, जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पी इज द वर्ड। फेलिसिटस का नहीं, बी नहीं रहेगा, कन्वीनियंट का मतलब तो हो गया भाई कोई चीज जो हमारे अनुकूल, ठीक है ना, कन्वीनियंट इज समथिंग डिफरेंट, और हैप्पी जो है वो है प्रसन्न, आनंद, सुखमय, सुखमय वर्ड भी आ जाता है, सुखमय, ब्रिडल में पूछना हो गया। फर्वेंट का मतलब क्या होता है, एफ ई आर वी एन टी, फर्वेंट को पता है किसी को, फर्वेंट किसे कहते हैं, उत्सुक, एंथुसियास्टिक, उत्सुक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 35 में चलिए, 34 है कैमराडाइट, यहां से देखते हैं कैमरडेरी, कैमरडेरी, कैमरडेरी का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये शब्द कहाँ से आए, लेकिन ये सारे शब्द अक्सर एग्जाम में, टीचिंग के ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अलग के शब्द है, ये सब पूछे गए शब्द। कैमरडेरी का मतलब क्या होता है, कहते हैं सखापन, कौन बोल रहा है, बिल्कुल सही, जो भी बोल रहा है सी बिल्कुल सही। फीलिंग फ्रेंडशिप, इसका मतलब होता है सखा, सखा कहते हैं ना, सखा दोस्ती, सखा पर जिसके अंदर फ्रेंडशिप, एनी भी उसे हम वो भी कहते हैं एमिएबल, एमिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्केक, आर्केक का मतलब क्या होता है, ए आर सी एच ए आई सी, आर्केक का मतलब क्या होता है, आर्के, आर्कोलॉजिकल से याद रखो, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्के, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, आर्के, हाँ प्रिमिटिव, बिल्कुल सही, आर्के का मतलब हमने यहाँ से निकाल लिया, प्रिमिटिव, पुराना, प्राचीन, पुराना, ठीक है। फिर है आपका परयूस, पी आर यू एस ई, परयूस, जैसे मैं आपको बोलूं कि आजकल आप लोग प्लीज डू द चैप्टर्स, गो थ्रू द चैप्टर्स बाई परयूज, तो परयूज का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, कौन क्या सीख और बता रहा है, तो रीड थॉरली, बिल्कुल सही, ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। फिर है एवेंट गार्ड, ये आपके उसमें भी है अगर आपको याद हो, ये लिटररी टर्म में भी है, ठीक है, कुछ नई सोच, नई विचारधारा, बिल्कुल सही, इनोवेटिव, कुछ नयापन, बिल्कुल सही। इसके बाद है हेरिंग, हेरिंग, हेरिंग का क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करके सोचिए तो आपको याद आएगा क्या है, हेरिंग का मतलब होता है व्याख्या करना, कोई भी चीज का व्याख्या, किसी चीज के ऊपर बोलना टॉपिक पे, तो उसको हम कह सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं भाई व्याख्यान करना, व्याख्या, व्याख्यान कहते हैं कोई चीज को समझाना, तो लेक्चर जो मैं आपको इस समय दे रही हूँ, लेक्चर, दैट इज हेरिंग। इसके बाद चलेंगे 39, गोलैश, गोलैश, जी ओ यू, जी ओ यू एल ए एस एच, गोलैश का मतलब क्या होता है, अब आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ा हो, जैसे ज्यादातर लोग जो वेदों में छापे हैं उसका मुरब्बा बना लेते हैं, जैसे कोई भी फिश है कुछ है ना,
जैसे हम लोग आम का उसका मुरब्बा बनाते हैं, किसका बिल्कुल सही, स्ट्यू इज द राइट आंसर। जैसे उसका मुरब्बा नहीं बना लेते नॉनवेज का, उसको कहते हैं स्ट्यू, S-T-E-W, स्ट्यू। जैसे हम कहते हैं ना नॉनवेज का मुरब्बा बनाना, जैसे आप आंवले का मुरब्बा खाते हो, इसी प्रकार से जो नॉनवेज खाते हो नॉनवेज का मुरब्बा बनाना, उसको कहते हैं गोलाश। लैश नहीं समझ देना, अगर ऐसे याद करें तो लाश याद रखो, गैलाश। डॉलैश का मतलब होता है टेबल का लैश, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, ये तो बहुत बार, ये तो बहुत आसान है कि आप लोगों को कर देना चाहिए इम्प्रॉम्प्टू, ये अक्सर एग्जाम में आता भी है। बिल्कुल सही, कौन बता रहा है ये इम्प्रॉम्प्टू का, कौन बता रहा है, हु इज सेइंग दिस? यस, और कौन कौन बता रहा है सी? इसका मतलब जानते हैं आप? इम्प्रॉम्प्टू हम कहते हैं ना बिना तैयारी के कोई भी चीज, जैसे हमने बोला बिना तैयारी का, हम जैसे हम कहते हैं कि प्लीज आप बिना पढ़े मत जाना, तो इम्प्रॉम्प्टू दैट मींस बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ में जरूर रखना, हाथ में जरूर रखना मतलब आप अपनी नजर में जरूर रखना, ये बिल्कुल करके जाओ ऑफ हैंड, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेन, पॉन्टिफिशल, पॉन्टिफिशल का मतलब क्या होता है? PONTI, पॉन्टिफिशल। बताइए, थोड़ा कोई बताएगा इसका? कोई नहीं बता रहा। घमंड, इसमें हम कहेंगे अपनी, जो कई लोग होते हैं ना जो अपनी अपनी फेंकते रहते हैं और अपने ही बारे में बोलते रहते हैं और अपनी बड़ी प्रशंसा करते हैं और घमंड से, तो उसको कहते हैं अपनी तारीफ करना, या आप कह सकते हो घमंड। क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर रहा है तो अपने ही बारे में बोल रहा है, तो दैट मींस उसको कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व है। बोस्टफुल, क्या कहा जाता है? बोस्टफुल, BOASTFUL, बोस्टफुल। इसके बाद है रेटिसेंट, रेटिसेंट का कोई बता सकता है कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा सोचिए या फिर बोलिए। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है जो आप कहते हैं ना ये तो थोड़ा कम बोलता है या कम बोलती है, ये थोड़ा ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलती है, तो रेटिस आउटस्पोकन। देखिए आउटस्पोकन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो रेटिसेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं अल्पभाषी कह लो या कम बोलना कह लो, है ना, कम बोलना, बहुत ही सीरियस, हाँ सीरियस, रिजर्व कह सकते हैं, गंभीर, जिसको हम कहते हैं गंभीर, चंचल नहीं है इसको, हाँ एक शब्द इसका आता है चंचल, हिंदी में बोल सकते हैं चंचल, अचंचल को नहीं बोलेंगे, चंचल बोलेंगे तो आउटस्पोकन हो जाएगा, गंभीर कह सकते हैं, रिजर्व, क्योंकि हम सिनोनिम्स कर रहे हैं तो रिजर्व आएगा, अगर ऑपोजिट होगा तब आपका आउटस्पोकन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉसियस, NAUSEOUS, नॉसियस का मतलब क्या होता है? ये तो सभी जानते हैं नॉसिया, उल्टी जैसा होना, है ना, बताइए सभी लोग जानते हैं ये तो, सिकनिंग, बीमार होना, वॉमिटिंग जैसी आनी, है ना, नॉसिया, सिकनिंग, बीमार होना। हाँ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना हम इसको मान लेते हैं, एज्यूम करना, एज्यूम करना मान लेना, कल्पना करना, ये इमेजिनेशन वाला मतलब है ना, मान लेना के सेंस में बोल रही है, एजम्पशन जिसे हम कहते हैं, एजम्पशन कह सकते हैं, एजम्पशन
मान लेना, ठीक है। तो कोई चीज मान लेना उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल विल बी व्हाट यू देन व्हाट विल बी द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, सपोज, सपोज इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे, द सिनोनिम ऑफ इननेट, इननेट, इननेट का मतलब क्या होता है? इननेट का मतलब कहते हैं जन्म से, बिल्कुल सही, इनबॉर्न, कि ये तो जन्म से इसके अंदर ये गुण है। एवियरी, ये भी सब बता देंगे, ये आसान है। एवियरी का क्या आएगा? सब बता देंगे, इसको तो कोई छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ये किसी से भी नहीं छूटना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, एवियरी का मतलब होता है जहां पर बर्ड्स को रखने का पिंजरा, है ना, चिड़ियों का रखने का पिंजरे को कहते हैं एवियरी। सीथ, एस ई ई टी एच ई, सीथ, सीथ का मतलब क्या है? S E E T H E, seat. बताइए, कोई बता रहा है इसका आंसर मुझे? अभी तक किसी ने बताया? ठीक है सर, बोली, बॉइल, बॉइल, अब बॉइल, आपका बात बिल्कुल सही है, बॉइल, लेकिन किस सेंस में ये बॉइल कर रहा? पानी का उबाल। अब उबाल किसी चीज का भी हो सकता है, किसी भी संदर्भ में हो सकता है, हम कह सकते हैं क्रोध, क्रोध का उबाल आ रहा है ना, क्रोध के उबाल को हम कहेंगे उबाल। कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा उबाल आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दैट इज बॉइलिंग, ठीक है। सीथ, ये पानी गर्म करने वाला बॉइलिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज सीथ, मतलब गुस्से में, आवेश में आना। एक और लिख सकते हैं हम आवेश। नेक्स्ट है बोनाफाइड, बोनाफाइड तो आप सब लोग बता देंगे, मुझे बताइए बोनाफाइड का, सभी लोग बताइए प्लीज। बिल्कुल सही, बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक, है ना, वास्तविक, कहते हैं ना बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो जेन्यून, क्या आएगा इसका? जेन्यून। इसके बाद है फर्टिव, एफ यू आर टी आई वी, फर्टिव को बताइए, कोई बता सकता है? जिसको हम कहते हैं गुप्त, सीक्रेट, हिडन, कंसील, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो इस पर क्या आएगा आपका? मतलब बिल्कुल सही है, स्टेल्थी, क्या आएगा ये? स्टेल्थी, एस टी एल टी एच वाई, स्टेल्थी, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा यू नो गुप्त रहना, रहस्यमय रहना, है ना, छुप कर रहना, वो सब सही। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परपीचुअल, लास्ट है आई थिंक, हाँ ये लास्ट है, परपीचुअल, ये तो सब लोग बता देंगे और मुझे लगता है सब लोगों को बताना चाहिए, सभी लोग बताइए परपीचुअल का क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, इटर्नल का मतलब क्या होता है फिर? इटर्नल का मतलब क्या होता है? लगातार, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इटर्नल। रिजिड का मतलब आप जानते हो हार्ड, होली का मतलब आप जानते हो, होली का मतलब क्या होता है? धार्मिक, है ना, पवित्र। रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही क्या है, जटिल है, बैड, रफ है, खुरदुरा है, ना, उसको हम रूल बोलते हैं। तो ये 50 में से आप लोगों को कितने याद हुए अगर पूछा जाए तो? कितने याद हो गए आप लोगों को अगर आपसे जेन्युइनली पूछा जाए कि इतने में से आप लोगों ने कितने याद हो गए आप लोगों को? 50 में से कितने शब्द इस समय याद हो गए? कोई बता, 50 में से कितने याद हो गए? एग्जैक्ट बताइएगा, ऐसा नहीं हवा में नहीं बताना, आपको इसमें कितने याद हो गए? क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं
और नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे ऐसे करके दे देंगे, तो बात यह कि आपको मतलब आना जरूरी है, उसका अर्थ क्या है। सिनोनिम्स ऐसे ही पढ़ सकते हैं, रूट वर्ड से पढ़ने का टाइम नहीं है, है ना। वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम, तो इस स्टेज में कोई नई चीज सीखना मेरे हिसाब से बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए इस समय आपने जितना पढ़ा है, जिस हिसाब से आप पढ़ते आए हैं, वही तरीके को आप आगे बढ़ाएं। तो आज कितनी तारीख हो गई है, टुडे इज 6, है ना। तो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम नाउ, तो इसलिए ये 50 क्वेश्चंस आप करिए। इसके बाद मैं कल आपको 18th वाला करवा दूंगी, ठीक है। कल हम 18th पर डिसाइड करेंगे। 19th हमारा हो चुका है, दैट मींस वी हैव टू गो गिव नाउ 20th प्रैक्टिस सेट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके फाइन। सबको समझ में आ गया कि नहीं, सभी लोग बताए सबको ये शब्द समझ में आए कि नहीं आए। मुझे तो पता भी नहीं है टाइम कितना हो रहा, ज्यादा टाइम मिल गया, ठीक टाइम है, ठीक है, ओके। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास, ओके, फाइन, बाय, टेक केयर, बाय।